अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुम देख रहे हैं बोल्ड वॉइस, तो मोहम्मद रफीक चौधरी थारी खिदमत में आज की खबर ले गए हाजिर है। तो नाज़रीन चलो एक नज़र आज तारीख की खबरों पर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं कराया जा रहा है, फारूक अब्दुल्ला। साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पीटीआई ना दिता गया एक इंटरव्यू में क्यों है कि अगर बीजेपी यू कह रही है कि वे 50 तो ज्यादा सीट जीतेगा तो फिर वे चुनाव क्यों नहीं कराता। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने क्यों है कि राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल में अचानक आनो मौजूद तुलबा का वास्ता परेशानी को सबब बने हुए है। उन्होंने क्यों कि राहुल गांधी अपनी मनमर्जी के बगैर किसी इतला या दावतनामा का हॉस्टल में आयो थो। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने आड़ा हथा लेते हुए उनका नाल सवाल किया है कि उनका बैरून मुल्क दौरों के नाल के हासिल हुआ है। उन्होंने क्यों है कि क्यों वे मुल्क को पैसों बर्बाद कर रहा है। जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता ने डिस्ट्रिक्ट डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन का तमाम ऑफिसरान पर जोर दिया है कि वे तमाम इकदाम चकी ताकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का तहत हो रहा कमाना 15 मई तुड़िया मुकम्मल की हो जा सके। केरला का मलापुरम में एक हाउस बोट का समुन्द्र में डूब जाने के नाल भी लोगों की मौत वाकई हो गई है। जम्मू कश्मीर का पुंछ में एक सड़क हादसा में बीएसएफ का एक एहलकार की मौत हुई है जबकि 6 लोग जख्मी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमाम अखबारात का एडिटर ने लिखा है कि वे जिम्मेदारी का नाल काम लें क्योंकि किसी भी सियासी जमातों की तरफों जारी होने वाला इश्तहारात छापन वर किसी भी किस्म की जिम्मेवारी उन्हीं पर वहगी। आज कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कर्नाटक का महादेवपुरा में एक रोड शो कड़ियो। सनराइजर हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल ना आईपीएल का एक मैच में 4 विकेट तो शिकस्त दिती। तो नाजरीन ये थोड़ी तमनी आज तड़ी की खबर, अपनो ख्याल रखियो, कल इसड़ा इंशाल्लाह फिर मुलाकात वेगी, तब तोड़ी गा देव इजाजत, खुदा हाफिज। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो